चलिए। चलिए सभी का स्वागत है पट पर दीपिका के इस व्याख्यान माला में। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, लास्ट टॉपिक, शक्ति चारिणी मुद्रा के बारे में जानेंगे। ठीक है, होप आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन पर अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें क्लियर है ना ये सारे मुद्राएं। ठीक है, हम आगे सर बढ़ते मुझे हैं। मैं अमरोली क्या में सर कह रहे हैं प्रियंका जी? अमरोली में एक क्वेश्चन है मेरा। अमरोली की क्रिया वो है जब हम अपने योनि मंडल में जो स्राव होता हुआ और चंद्र मंडल में जो स्राव होता है उनको मिलाकर अपने मस्तक मस्तक पे धारण करना। पे धारण करना, ये है ना। हाँ जी, हाँ जी, और सर वज्रोली में, फिर वज्रोली में योनि मंडल के श्राप का कोई वो नहीं है, बस वो पाइप, एक पाइप जो है हमें वो देखो अब लगा के वायु ऊपर की का तरफ जब हम मंचन करना ऊपर के लिए। नहीं, ऊपर हम कैसे उठाएंगे? तो वज्रोली के अभ्यास से ही तो होगा ना वो, क्योंकि अमरोली भी। हाँ सर, उस अमरोली में भी जो हम पाइप यूज करेंगे तो उसमें जो हम वायु का मंचन कर रहे हैं तो उसमें चंद्रमंडल को जो श्राव है वो हम अपना वृक्ष कर सकते हैं, पर जो वो वाला है चंद्रमंडल वाला श्राव उसको कैसे। देखो, चंद्रमंडल से जो आया वो नीचे आया, और जो योनि मंडल का जो श्राव है उसको मिलाकर हम वज्रोली क्रिया के द्वारा जो फुट ऊपर की तरफ, ऊपर हम कैसे ले जाएंगे? ठीक है, तो उस प्रक्रिया के द्वारा, वज्रोली प्रक्रिया के बाद ही हम उसको ऊर्ध्वगामी बनाएंगे। ठीक है, तो सर वज्रोली और अमरोली में एक बार अंतर बता दो आप, थोड़ा वो हो रहा है देखो मुझे, एक जैसे ही वज्रोली, लग रहे हैं। हाँ देखो वज्रोली क्या है, उसमें इस तरह का कोई स्पेशल व्याख्या नहीं किया गया है कि हम सोमरस का या फिर योनि मंडल। उसमें स्पष्ट कहा है कि प्राण वायु को ऊपर उठाना है। ठीक है, वो नली में एक हार्ड सख्त नली का प्रयोग करके अपने जेनाइटल ऑर्गन में डालकर और फिर उसके माध्यम से फुत्कार करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है, ब्रह्मरंध्र की तरफ लेके जाना, सुषुम्ना लेके जाना है। ठीक है, ये सिर्फ यही कहा गया है। वज्रोली आप जब देखोगे, मैं स्क्रीन पर जन कर रहा हूँ, आप देखोगे। मैं एक बार फिर से शो कर देता हूँ ना। अच्छा सर, अमरोली में मिश्रण जो है वो हमें मस्तक पे वहां पे स्थिर करना है और वज्रोली में सिर्फ जो वायु है वो जो, पर सर उसमें भी स्त्राव का मेरे ख्याल से वर्णन था वज्रोली में। देखो वज्रोली है ये, है ना। ठीक है, स्वेच्छा से, है ना, योगी सारे नियमों को छोड़कर जो वज्रोली को जानता है वो सिद्धि को पाएगा। इसका देखो यहाँ कह रहा है कि तत्र वस्तु द्वयम् वक्षे दुर्लभम यस्य कश्चित् क्षीरम च एक द्वितीयम्। हाँ, ये दो अलग है, आगे दिखेगा। दो वस्तु कही गई है इसमें, है ना, सोममंडल का एक श्राव और दूसरा स्वादिष्ठान नाम। धीरे धीरे अच्छी तरह से योनि मंडल का आकुंचन करना है। ठीक है, ऊपर ये दोनों ही कर सकते हैं, पुरुष अथवा नारी, और इससे सिद्धि मिलती है, वज्रोली की, वज्रोली का फल प्राप्त होता है। विधि आगे है। हाँ, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से पता चल जाएगा। यत्नता नालीन फुत्कार वज्रकंदरे शनै शनै प्रवाह वायु संचार गाढ़। स्पष्ट कहा है ना वायु, वही कि यत्न पूर्वक अच्छी नली से फुत्कार के साथ मूत्र मार्ग में वायु का प्रवेश कराए। ठीक है, इस प्रकार धीरे धीरे करने से वायु भीतर, वायु का संचार होता है। बस यही है, समझ में प्रियंका जी? सर जैसे इसके बाद, हाँ सर इसके बाद वाले सूत्र में है जैसे योनि मंडल में आकर गिरने वाला जो स्त्राव है हम उसे ऊपर उठाना है। हाँ, ऊपर उठाना, योनि मंडल में आकर गिरने वाले श्राप का
अभ्यास के द्वारा ऊपर उठावे। अब यहां पे मिश्रण की बात नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ सोम मंडल को ऊपर मिश्रण का उठाने की अंतर बात। है, क्या यहाँ पे उसमें क्या था मिश्रण का अंतर अमरोली? है, उसमें मिश्रण को मस्तक को मिल जाने से। हाँ, इसमें समझो कि सिर्फ एक चीज है कि सोम जो गिर रहा है उसको उठाना है। देखो वायु के आप जैसे प्राण वायु ऊपर लेके जाना है चलायमान, जो ऊपर से आ रहा सोम रस इसी के साथ उस प्राण के साथ ही ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन अमरोली में क्या था, एक तो रज का श्राव हो रहा है और एक सोम का श्राव, उस दोनों के मिश्रण को ऊपर उठाना है। ऊपर कैसे जाएगा? इस वज्रोली के अभ्यास के द्वारा ही जाएगा, समझ गया है? ओके सर, हाँ समझ में आया प्रियंका जी? ठीक, सर। और किसी कोई डाउट? बस थोड़ा का अंतर है, जो यहाँ कह रहा है ना। देखो अमरोली, देखो यहाँ पे आ गया ना वज्रोली के अभ्यास से, प्रियंका जी, ठीक है। अमृत का श्राव उसको नित्य प्रतिदिन हाँ पीना सर, है, ठीक है, इसी को, और फिर वज्रोली के अभ्यास के बाद ही इसको करना है, मतलब अमरोली का अभ्यास, चाहे वो सहजोली हो चाहे अमरोली हो, दोनों ही जो है भेद वो अमरोली के ही माध्यम से होगा, दोनों ही प्रक्रिया, ठीक है। ओके सर, चलिए आज क्लियर है ना? हाँ सर, हो अब गया। शक्ति चालन, ये भी यहां से कुछ कुछ चीजें महत्वपूर्ण है, वही बताऊंगा मैं, जो उतना महत्व नहीं है वो उसको स्किप कर सकते हैं अपन, ठीक है। 100 नंबर का है ये, स्टार मार्क कर लीजिए, 5 स्टार, इतना भी स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद होना ही चाहिए, श्लोक ही याद कर लेना। ये पर्यावाची है, किसके पर्यावाची है? कुंडलिनी के पर्यावाची समझते हैं, कई जगह पे आपको ये चीजें आपको मिलेगा कुंडलिनी के अन्य नाम के रूप में, तो कुटांगलिनी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति ईश्वरी, कुंडल अरुंधति, चैतई, शब्द पर्यावाची का एक शब्द कहे गए हैं, ठीक है, पर्यावाची शब्द है कुंडलिनी के। तो हो गया कुटांग, कुंडलिनी, भुजंगी, एक शक्ति अलग है, ईश्वरी अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग है। फिर कुंडलिनी और अरुंधति, ये अलग है और कुंडली अलग है, याद रखिएगा, अरुंधति भी कहा जाता है। ये पर्यावाची शब्द है, एक शब्द एक वाचक है, सारे ही मतलब शक्ति कुंडलिनी का पर्यावाची शब्द, ये आप याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, श्लोक के साथ याद कर लेना। उद्घाटयेत् कपाटं तु यथा कुञ्चय, कुञ्चयेत् क्या हटात कुंडलिन्या तथा योगी मोक्ष द्वार विभेदयेत्। कह रहा है कि जिस प्रकार से कुंजी, देखो आप ताले को खोलते हो ना कुंजी के माध्यम से, वैसे ही ये कुंडलिनी है, उस कुंडलिनी को खोलोगे मतलब लॉक को खोलोगे तब जाके आप कमरे के अंदर प्रवेश करोगे, मोक्ष के द्वार को भेदोगे, ठीक है। वही चीज कह रहा है कि जो कपाट है, ठीक है, कि जिस प्रकार चाबी के माध्यम से आप किवार को खोलते हो हठपूर्वक, जो अभ्यास हम करते हैं योग का अभ्यास, जब हम हठपूर्वक इसका अभ्यास करेंगे तब जाके ये जो है योगी कुंडलिनी के द्वार, कुंडलिनी के का द्वार खोलकर मोक्ष के द्वार का भेदन करेगा, ठीक है, मतलब लॉक को खोलकर प्रवेश अंदर करेगा, मोक्ष द्वार का भेदन करेगा, ठीक। ये उसके साथ उपमा दिया गया है, याद रखना आप, क्या भी कर सकते, येन मार्गेन गंतव्यम ब्रह्म स्थानम निरामयम मुखेन अच्छाद तद्वारम प्रसुप्ता परमेश्वरी। देखो परमेश्वरी भी कहा गया है किसको? कुंडलिनी को, ठीक है। तो जो कह रहा है कि येन मार्गेन गंतव्य, और जिस मार्ग से, ठीक है,
निरामय ब्रह्म स्थान को, ब्रह्म पद को हम जाते हैं, पाते हैं उस, ठीक है, ब्रह्म स्थान को, ठीक है, मुखात अच्छाद, उस मार्ग को, मुख के जो आच्छादित है, ढका हुआ है, ठीक है, कैसे, वो सोई भी जो कुंडलिनी है, परमेश्वरी को मतलब कुंडलिनी से समझते हैं, वो सोई हुई है, सुप्त अवस्था में है। अब गेट पे समझ लो कि कोई सोया हुआ है, अंदर कोई जा ही नहीं सकता है, ठीक है, तो उसको जगाने की बात हो रही है, जो सोई हुई कुंडलिनी है उसको जगाएंगे। तो कुंडलिनी मतलब जैसे कोई सर सोया हुआ है, सांप सोया हुआ है, ठीक है, अंधो कुंडली सती सुप्तामुखाय योगिनां बंधनाय च मूढ़ानां यस्ता वित्ति स योगविद। अब कह रहा है कि जो कंध है, कंध के ऊपर, कंध का स्थान जो होता है हमारे जेनाइटल ऑर्गन के पास ही होता है, उसको कंध कहते हैं, उभरा वस्त्र, ठीक है, तो वहां पे कुंडलिनी शक्ति जो है सोई हुई है, जो योगियों का मोक्ष का कारण है, जो भाई जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी वो मोक्ष को पालेगा, तो जो मोक्ष का जो कारण है वो जो सोई हुई कुंडलिनी है, और वो कहाँ है कुंडलिनी, कंध के ऊपर, ठीक है, थोड़ा ऊपर, और ये यही चीज मूढ़ के लिए, भाई योगियों के लिए तो मोक्ष का कारण है ना, सोई हुई कुंडलिनी, लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति हैं उनके लिए क्या है, ये बंधन का कारण है। और यस्ताम व्यक्ति, अब भाई इसको जो जान लेता है, मतलब कुंडलिनी की शक्ति को जो जान लेता है, वो योग के जानकार हो जाते हैं, योगविद हो जाते हैं, ठीक है। अब कुंडली कुटिलकारा सर्पवत परिकृता सा शक्ति चालिता येन सम्मुक्तो तो नाहत्र संशय। ये जो कुंडलिनी है कुटिल मतलब देखो ना आप जो है कि कुंडलिनी जो सर्प है, ठीक है, वो टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे है, जिग जैग है ना, तो सा चक शक्ति चालिता ये न सा, अब जो इस शक्ति को चला लेगा मतलब जो जगा देगा है ना, ये न सा मुक्त, वो निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, है ना, इसमें कोई संदेह नहीं, समझ गया। ये जो जिग जैग कुंडलिनी है, ठीक है, जो सोई हुई है कुंडलिनी, जिसने इस शक्ति को जगा लिया, शक्ति चालिता ये न सा मुक्त, वो मुक्त हो जाएगा और इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जागने के बाद तो ऊपर ही जाएगा कुंडलिनी, कुंडलिनी का जागरण होकर ऊपर जाएगा, ग्रंथियों का भेदन करेगा, चक्रों का भेदन करेगा। अब देखो क्या कहता है, गंगा यमुना उद्वय बाल रंडा तपस्वी तपस्विन बलात्कारेण गृहणीयात विष्णु परम पतम। कह रहा है कि जो गंगा है और यमुना दोनों के मध्य में, इसको अन्वय करके तोड़ के पढ़ोगे ना, तो गंगा यमुनायो मध्य बालरंडा तपस्विन, गंगा और यमुना के मध्य में, ईरा और पिंगला के मध्य में क्या स्थित है भैया, सुषुम्ना स्थित है, सुषुम्ना के मध्य ही तो कुंडलिनी का जागरण होता है, तो कह रहा है उसके मध्य में तपस्विन बालरंडा है, यहाँ पे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है बालरंडा, ये आया है कुंडलिनी के लिए आया है, ठीक है, उनके लिए ही प्रयुक्त हुआ है, तो कह रहा है कि गंगा और यमुना के मध्य में तपस्विनी बालरंडा है, और तबलत, और इसको पुरुषार्थ से, इसका मतलब यहां देखो दिया कि पुरुषार्थ से अपने अच्छे कर्मों से इसको ग्रहण करना चाहिए, को उसको चलाना चाहिए, अभ्यास के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा उसको चलाने की बात है, तब जाके तद विष्णु परम पद, तब जाके वो विष्णु परम पद को प्राप्त करेगा, ठीक है। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगला
मध्य बाल नंदा, सेम चीज कह दिया वही रिपीट है यहाँ पे। ईरा क्या है? भगवती गंगा है। पिंगला क्या है? यमुना है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना, गंगा यमुना और फिर ईरा पिंगला के मध्य में क्या है? बालडा है, और कुंडलिनी इसी को कहा गया। सेम चीज रिपीट हुआ पहले वाले का। पुच्छे प्रज्ञ भुजंगी सुप्ताद शुक्ताम बोधयेत चौताम निद्राम विहायसा शक्ति उर्व मुत्तिष्ठते हठात। कह रहा है कि जो सोई हुई भुजंगी है ना उसको, अब भाई जो सांप है उसको पूंछ को पकड़ के जगाना है, तो वही कह रहा है कि जो सोई हुई है सर्पनी उसके पूंछ को पकड़ के जगाना चाहिए। सुप्ता बोधयेत चौताम, उसको जगाना है पूंछ को पकड़ के, किसको? कुंडलिनी को। जो कुंडलिनी है वो कैसा है? भुजंगी। भुजंगी अभी आया था ना पर्यायवाची में, इसको हम क्या कहते हैं? कुंडलिनी कहते हैं। उसको जगाना है निद्रा भी था ऐसा, फिर क्या होगा? वो निद्रा को छोड़कर वो एकाएक ऊपर की तरफ उठ जाएगा ना, शक्ति उद्धव हटा वो एकाएक ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ठीक है? सोई भी कुंडलिनी जो है एकाएक ऊपर उठ जाएगा। अवस्थिता चैव फनावती सा प्रातः। आप देखो ना, अब जब भाई अभ्यास करना है तो ये टाइम बता दिया है कि जो अवस्थित चैव फनावती सा, ये फनावती किसके लिए आया है? कुंडलिनी के लिए आया है। जो कुंडलिनी स्थित है उसको जगाना है, मतलब अभ्यास करना है। आप समझो ना, फना मतलब फन, फन फैलाता है, सर्फ फन फैलाता है ना, उसी से ये है। कब कब करना है इसका अभ्यास कुंडलिनी को जगाने का? प्रातः काल, प्रातश्च सायं, संध्या काल में, और अर्धमात्रम, ठीक है, प्रहर में, मतलब तीन, दो बार कह रहा है, प्रातः और सायं, प्रहर अर्धमात्रान, और हरेक पहर में आधा मात्र, मतलब अर्ध मात्रा, मतलब आधा पहर करना है, तो आधा पहर में 3 घंटे के बराबर, एक पहर 6 घंटे, आधा 3 घंटे की है, 3 घंटे, आधा पहर 3 घंटे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और कैसे करना है? प्रपूर्य सूर्यात, मतलब पूरित पिंगला नाड़ी से पूरक करना है, परिधान युक्ताया प्रगिरि नित्यम परिचालनीय, और नित्य प्रतिदिन इसका अभ्यास करना है, सुबह शाम आधा पहर 3 घंटे श्वास जो है लेना है, पुरियात मतलब पिंगला नाड़ी से। यहाँ पे छोड़ने की बात नहीं है, इसलिए अपने मन से हम नहीं सोचेंगे, जो कह रहा है बस वही पूरक करना है, ठीक है, पिंगला नाड़ी से पूरक करके, युक्ति पूर्वक करके प्रतिदिन इसको चलाना है, प्रतिदिन इसको अभ्यास करना है, ठीक है, समझ में आया श्लोक? यहाँ पे सिर्फ श्वास लेने की बात है, अब देखते हैं अच्छा आगे। यहाँ छोड़ने के बारे में कुछ नहीं, जिक्र ही नहीं किया गया है, तो जो है सो बस वैसे ही हम समझेंगे इसको। उर्ध्व वितस्ति मात्रम, अब इसमें विधि बता रहा है, ये तो पहले विधि था एक, है ना, नेक्स्ट वाला यहाँ देखो, इसमें भी विधि बता रहा है कि उर्ध्व वितस्ति मात्रम तु विस्तारम चतुर अंगुलम मृदुल धवलम प्रोक्तम वेष्टितांबर लक्षणम। ये लक्षण है किसके? वेष्टि मतलब वो कपड़ा है, उसके बारे में बता रहा है, और विधि बता रहा है कि उर्ध्व वितस्ति ऊपर, यहाँ पे ना ऊपर से है, यहाँ पे आप समझोगे मूलाधार, मूल स्थान से, जो हमारा एक बेस है ना, वो मूल स्थान जेनाइटल ऑर्गन के पास ले लो, और हमारा जो मल गुदा द्वारा वहां से ले लो, हाँ वहां से वितस्ति मात्र। एक वित्ता में कितना बताया था ना, एक वितस्ति में नेति में पढ़ा था 9 इंच, तो 9 इंच ऊपर होना चाहिए। तू विस्तार चतुरंगुल, और 4 अंगुल विस्तार, यहाँ विस्तार में तीनों चीज के बारे में जिक्र किया है लेखक ने, की लंबाई चौड़ाई, मोटाई नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक, मोटाई का मतलब नहीं है, ठीक है, 4 अंगुल चौड़ा, विस्तार का मतलब चौड़ा ही होता है,
अब कपड़ा मृदुल होना चाहिए, मतलब सॉफ्ट होना चाहिए, धवल मतलब व्हाइट होना चाहिए, सफेद कपड़ा, ठीक है, वो विष्टांबर लक्षण। और ये लक्षण बताया गया है किसका, अंबर का। और विष्टांबर उसको लपेटना है कहाँ पे, कमर, जब वितस्ति मां ऊपर उठाने की बात हो तो नाभि के नीचे वाला स्थान हम समझते हैं। आप इसके इसका जिक्र जो है घृण संहिता में और अच्छे तरीके से बताया गया कि वहां पे अच्छे से कपड़े को लपेटने की बात करी गई है, नाभि के जस्ट नीचे, ठीक है, वहां पे लपेट कर, और कहते हैं वहां पे भस्म भी लगाने की बात है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है जिक्र, लेकिन जब आप घृण संहिता पढ़ेंगे ना तो वहां पे और डिटेल में दिया हुआ है शक्ति चरण के बारे में। यहाँ पे जो है उसको हम समझते हैं, ये ध्यान में आप रखिएगा, चार अंगुल विस्तार है ना, ये इम्पोर्टेंट है। जब आप शक्ति चारण करते हैं तो ये लक्षण है बताया है कपड़ों का, कि किस तरह के कपड़े होने चाहिए, कितना होना चाहिए, ठीक है। तो कमर के वाले भाग पे हमें जो है उसको लपेटना है, ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर है, ये इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, उसके लक्षण बता रहे हैं, अंबर कमर कपड़ों के बारे में बता रहे हैं। मृदुल धवल चार अंगुल चौरा वितस्ति मात्र ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आता है और आगे अभी है, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, और कह रहा है कि सती वज्रासन। अब ये चीज इंपोर्टेंट है कि भी हम सती चारण का अभ्यास कौन से आसन में करें, तो सती वज्रासन पादो कराभ्याम हरेत दृढ़म गुल्फ देश समीपे च कदम पत्र प्रदीप्य। कह रहा है कि वज्रासन में बैठकर दोनों ही पैर को कराभ्य, दोनों हाथ से पकड़ना है ना, एंकल को पकड़ना है वज्रासन में बैठकर, मतलब वज्रासन में बैठे हो तो पीछे हमको लगता है हाथ को पीछे ले जाकर पैर को पकड़ना है, हाथ पीछे जाएगा वो, और दृढ़ता पूर्वक पकड़ना है। गुल्फ देश से, गुल्फ मतलब क्या होता है, एरी, वो समीप रहेगा किसके, कंध के, तत्र संपीड, और ताकि वो क्या हो उस पर दबाव पड़ना चाहिए, है ना, कंध के पास, वो गुल्फ जो एरी है ना वो हमारे कंध के समीप होना चाहिए, गुल्फ जो है उस कंध के समीप हो गया और कंध पे दबाव पड़ना चाहिए, ठीक है। कंध के बारे में ना जब आप वशिष्ठ संहिता देखोगे ना तो वहां पे पूरे शरीर का माप दिया हुआ है अच्छे तरीके से, देह देखो यहाँ पे भी कुछ है चर्चा किया हुआ है कि देह मध्य से 12 अंगुलों पर, देह मध्य से भी कहा गया, ये चीजें आप पढ़ना है, कंध जो है देह मध्य से 12 अंगुल की ऊंचाई पर है, ठीक है, कंध 12 अंगुल वाला होता है, मतलब ये चीजें आपको ना बहुत डिटेल में वशिष्ठ संहिता ही है, वशिष्ठ संहिता पढ़ोगे ना तो वहां पे बहुत अच्छे से जिक्र है पूरे शरीर का माप कहाँ पे क्या है, पूरे शरीर ऊपर से टॉप टू लेकर टॉप टू टो तक, हेड टू टो तक। तो वज्रासन में बैठकर दोनों हाथों को दोनों पाओं के टखनों के पास से पकड़ना है, जिससे कि कंध को जोर से दबाए, जो एरी है ना वो कंध के पास हो, ताकि कंध पे दबाव पड़ना चाहिए, और कंध के ही, अब क्यों दबाव पड़ना चाहिए बताओ, वे कहाँ स्थित है, अर्धनदी कहाँ है, कंध के पास है, कुंडलिनी के लिए, कुंडलिनी के लिए, कुंडलिनी कहाँ है, कंध के समीप के स्थान, कंदिलाधार। कंध वही मूलाधार के पास ही है कंध, ठीक है। तो ये ध्यान में सर रखिएगा, इसमें ये, सर इसमें ये बटरफ्लाई आसन में भी हो सकता है क्या ये? नहीं वज्रासन बोला है वो, बद्ध कोणासन होता है बटरफ्लाई में, ये वज्रासन में बैठकर। हाँ एक चीज और है, अब मैं पूछो क्यों मैंने रोका, आप बताइए, हाँ मैंने सर, मैंने किसके अंग नाम बताया था वज्रासन, अच्छा बात दिया आपने, बताइए, सिद्धासन, सिद्धासन तो बहुत प्रोबेबिलिटी, मुझे लगता है वही बात है, सिद्धासन ही है यहाँ पे, ठीक है, कि सिद्धासन में बैठकर
अच्छा वो आपने बोला, मुझे ध्यान आ गया कि सिद्धासन में बैठकर मैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखने लगा वज्रासन। नहीं, यहाँ पे वज्रासन क्या है? सिद्धासन है, समझ गया है? हेलो, यस सर, हाँ, तो ध्यान में रखना, हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दे और वहां पे ना सिद्धासन दे दे वज्रासन की जगह, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा सर, वो तो था ही नहीं, वहां तो वज्रासन था, तो उसके अन्य नाम है वज्रासन के, एक तो था सिद्धा, और क्या नाम था बताइए? मुक्तासन, वज्रासन, गुप्तासन, वज्रासन। बहुत बढ़िया, ये तीनों ही नाम याद रखना आप, ठीक है? तो ये सिर्फ इसीलिए, अब देखो, इसीलिए सिद्धासन को इतना महत्व दिया, श्रेष्ठ बोला है, क्योंकि उससे कुंडलिनी का जाग होता है, ठीक है? आप समझ में आया क्यों उसे इतना महत्व दिया है सिद्धासन को? सर इसी को कहते हैं कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना, वहां पे भी चीजें, ये सब चीजें सीरीज में है, वहां हमने पढ़ी, उसका यूज देखो यहाँ आ गया। चलिए आगे देखते हैं, वज्रासने स्थितो योगी चालित्वा च कुंडलीं कुर्यात् अंतरं भस्त्रा कुंडली मासु बोधेत, कि वज्रासन में स्थित योगी को चालित्वा च कुंडलिनी का चालन करना, मतलब ये देखो अभ्यास करना है, कुंडलिनी को चलाने का अभ्यास करना है, जागृत करने का अभ्यास, कुर्यात् अंतरं भस्त्राम कुंडली मासु बोधेत, और इसके अंतर, उसके बाद देखो ये कह रहा है, याद रखना ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुंडली इसको चालन करने के बाद, कुंडलिनी के चालन के बाद उसके अंतर के, क्या आपको करना है? भ्रस्तिका कुंभक, भ्रस्तिका का अभ्यास करना है, जिसके वजह से क्या होगा? कुंडली मासु बोधे, जल्दी कुंडलिनी का जागृत होगा, ठीक है? तो भस्त्रिका भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है कुंडलिनी जागरण के लिए, अब करो भस्त्रिका अच्छे से, पसीने पसीने हो जाओगे, है ना? समझ गए? तो ये याद रखना, तो इसमें क्या है, शक्ति चालन में एक तो वज्रासन बहुत महत्वपूर्ण है, एक भस्त्रिका, इसका भी अभ्यास करना है, ओके? याद रखना, समझ में आया ना? आगे बढ़ूं? ठीक है, यस सर, जी सर, भानुराकुंचनम कुर्यात् कुंडलीं चालयेत् ततः मृत्युवात्तगतस्यापि तस्य मृत्युभयं भूतः। अब कह रहा है कि जो कुंडलिनी को चलाएगा, है ना, कि भानुरा कुंचयित कुर्यात्, एक मिनट, हाँ, कुर्यात् कुंडली, जो कुंडलिनी का चालन करेगा, मृत्यु वक्र गतस्यापि तस्य मृत्यु, मृत्यु का भय कैसा, और मुक्त, मृत्यु के मुख में गए हुए साधक की मृत्यु को जीत, मतलब वही देखो, वही चीजें बता रहा है कि यहाँ पे भानु राकुंचनम कुर्यात्, भानु मतलब होता है देखो सूर्य, तो नाभि पर्दे से सूर्य नाड़ी का आकुंचन कर, तब कुंडलिनी को चलाने की बात कह रहा है, कुर्यात् भानु राकुंचन मतलब नाभि प्रदेश में जो है उसका आकुंचन करके कुंडलिनी को चलाना है और मृत्यु को जीत लेता है, जो मृत्यु के मुख में जो इंसान जो जा रहा है उसको भी जीत लेगा, और उसको मृत्यु का भय कैसा, तो आप एक वर्ड सिर्फ ध्यान में रखना, इस श्लोक से लाभ बता दिया कि मृत्युंजय प्राप्त होना, मृत्यु का भय कैसा कैसा, है ना, मृत्यु को भय नहीं रहता फिर कुंडलिनी चलाने के बाद, जिसका कुंडलिनी जागृत हो गया है, ठीक है? देखो मृत्यु के मुख में गए वे भी उस साधक को मृत्यु का भय कैसा,
मतलब मृत्यु का भय नहीं रहता। सर आकुंचन बोले तो मतलब सूर्य नाड़ी से सांस लेना है या फिर सूर्य नाड़ी को बंद कर देना है? नहीं, वही चीज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। सूर्य आकुंचन से यहाँ नाभि मंडल के भीतर का आकुंचन अभिप्रेत है। देखो यहाँ पे मैं अपने लॉजिक माइंड से ये कह रहा हूं कि जब नाभि प्रदेश का आकुंचन होना, तो मुझे लग रहा है कि उड्यान बंध से कहने का तात्पर्य यह है। जी ठीक है, सूर्य का सर, मतलब वहिनी मंडल सर नाभि के पास है। हाँ जी, हाँ हेलो, कुछ कह रहे हैं कोई? नो सर ठीक है, तो यहाँ पे उद्यान बंद कहने का जो डायरेक्ट नहीं बोला है, लेकिन मुझे लगता है कि उद्यान बंद कहने का प्रयास कर रहा है ना, भी उद्यान बंद लगाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो अस्पष्ट उद्यान बंद की चर्चा नहीं है, कि बस सिर्फ कह रहा है कि सूर्य नारी का कुंचन करना है। नाभि प्रदेश स्थित, ठीक है, यहाँ पे वो ईरा पिंगला की बात नहीं है, क्योंकि नाभि प्रदेश में स्थित है, तो मुझे लगता है उड्यान बंद की बात हो रहा है। मुहूर्त द्वय सर, पर्यंतम तड़ांगी मुद्रा निर्भयम की तरह चार, तो उड्डयन मंडी होगा ना? क्या देखो इसमें यहाँ पे कह लिखा रहा है है कि तड़ा, तड़ांगी मुद्रा जैसा, तो तो तड़ांगी उड्डयन मंडी कैसे हो? लगता है उसमें तो। हाँ, वही इसीलिए मैं कह रहा, तालाब के जैसा। जब तड़ांगी तभी तो आया ना, कि तड़ांग मतलब तालाब के जैसा हो जाता है, तब होलो स्पेस बनेगा पेट में, जब अंदर की तरफ जाएगा तो एक तालाब के अनुमा हो जाता है ना, इसलिए हमने कहा कि ये उड्यान बंद से अभिप्रेत है। अब देखो कह रहा है कि जो साधक दो मुहूर्त तक, मुहूर्त द्वय पर्यंतम निर्भय, निर्भय होकर दो मुहूर्त, दो मुहूर्त का मतलब है यहाँ पे चार घड़ी। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, थोड़ा सा इसको समझिए, चार घड़ी का दो मुहूर्त होता है और एक घड़ी की अवधि को 24 मिनट कहते हैं। तो एक घड़ी हो गया 24, 24 मिनट, तो दो घड़ी में कितना मिनट हो गया बताइए? 48 मिनट 48। 48, 48 दूनी 96, 96 मिनट हो गया दो जी मुहूर्त, है ना। एक घड़ी में 24 मिनट, तो चार घड़ी में 24 चौक 96, 96 मिनट तक कह रहा है चलाने के लिए इसको। ठीक है, दो मुहूर्त निर्भय होकर चलाना है, तो इससे क्या होगा? उर्ध्व मार्कर सहित किंचित सुषुम्नाया समुद्रता, इससे क्या होगा? शक्ति जो है ऊपर की तरफ जाएगा और सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाएगा। याद रखना दो मुहूर्त, ये पॉइंट्स है, कब तक चलाना है कुंडलिनी को? दो मुहूर्त तक। दो मुहूर्त का मतलब चार घड़ी, चार घड़ी का मतलब 96 मिनट, और घंटे में भी याद रख लेना 60, 1 घंटा 30, 36 मिनट, है ना, 1 घंटा 36 मिनट। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बताऊं, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, 1 घंटा 36 मिनट दे देगा, 1 घंटा 50 मिनट, फिर 60 मिनट, और फिर 96 मिनट, मतलब इस तरह से ऑप्शन दिया जा सकता है और देखने को भी मिलता है ऐसे। तीन कुंडलिनी तस्या सुषुम्नायाम, ये सब ना जब आप नोट्स बनाओगे ना, तो हाईलाइट करके टॉप पे नोट मार्क करके लिख सकते हो कि चार घड़ी, एक घड़ी में 24 मिनट, तो इस तरह से आप नोट कर लेना वहीं पे नोट्स में। होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे साथ में। तेन कुंडलिनी तस्या सुषुम्नायाम मुखम ध्रुवम जहाति तस्मात प्राणो अयम सुषुम्ना वज्जित वज्रति स्वतः। की देखो तेन कुंडलिनी तस्या सुषुम्ना, जो सुषुम्ना है, ठीक है, जो कुंडलिनी है, जो सुषुम्ना के मुख को, सुषुम्नायाम मुखम दृढ़, मुख को छोड़कर प्राण कहाँ होता है? अंदर चला जाता है, उसको भेदते हुए मुख पे नहीं रहेगा कुंडलिनी, सुषुम्ना के मुख पे ही तो सोई हुई है कुंडलिनी।
तो जैसे ही ये जागृत होगा तो उसके मुख को छोड़कर प्राण वायु कहाँ, सुषुम्ना में चली जाएगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। फिर तस्मात, देखो वही बातें हैं घुमा फिरा के कई लग उसमें कह रहा है। तो मेन चीज बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि क्या कह रहा है। तस्मात संचालित नित्यम सुख सुक्ताम अरुंधतिम, देखो आगे ना पर्यायवाची शब्द कुंडलिनी का, जो सोई हुई है सुख पूर्वक सोई हुई है कुंडलिनी, उसको नित्य प्रतिदिन चलाने की बात कह रहा है। और जो चलाएगा तस्य संचालनीन नैव योगी रोगे प्रमुच्यते, अब जो प्रतिदिन इसको चलाएगा वो उसको क्या होगा, रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। ये संचालिता शक्ति स योगी सिद्धि भाजनम, देखो याद रखना जिसको जागृत हो जाएगा उसको रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पे लाभ हो गया रोगों से छुटकारा मिलना। ये न संचालिता शक्ति स योगी सिद्धि भाजनम किमत्र बहुनेन तेन कालम जयति लिलिया, कि जो योगी कुंडलिनी को जगाएगा उसको क्या होगा, सिद्धि मिलेगी, सिद्धि को प्राप्त करेगा। और इस विषय में किमत्र बहु, मतलब इस विषय में फिर और क्या कहना, और अनायास ये क्या होता है फिर, कालम जयति लिलिया, काल को जीत लेगा मृत्यु को जीत लेगा, ये लाभ हो गया मृत्यु को जीत लेगा। ब्रह्मचर्य कोई इसको पढ़ो, इस श्लोक को पढ़िए कोई। ब्रह्मचर्यरत्स्यैव नित्यं हितमिताशना मंडलाद दृश्यते सिद्ध कुंडले भ्यास योगिना। इसमें कह रहा है कि ब्रह्मचर्य का जो पालन करेगा, नित्य प्रतिदिन परिमित भोजन पथ्य युक्त भोजन करेगा, है ना, ठीक है। मंडलात दृश्यते, एक मंडल में ही मंडलात दृश्य दिखने लग जाएंगे उसके शरीर में सिद्धि के लिए जो चिन्ह है, योगी के सिद्धि योगी के अंदर सिद्धि के जो चिन्ह है, एक मंडल में ही दृश्यते दिखने लग जाएगा। एक मंडल में देखो 40 दिन होता है, 40 दिन में, ये भी आपको याद रखना कि जब क्या क्या इसमें पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पथ्य भोजन होना चाहिए, नित्य प्रतिदिन आपको जो है इसका कुंडलिनी चलाना है, और साधक को कब तक, एक मंडल याद रखना है, एक मंडल और 40 दिन, ये दोनों ही वर्ड आपको याद रखना है, में सिद्धि दिखने लग जाएगा। अब कह रहा है कि भाई जिसको कुंडलिनी जागृत हो जाए उसके अंदर सिद्धि कब दिखने लग जाएगा, है ना। तो 40 दिन, एक मंडल, और इसके अभ्यास के लिए, कुंडलिनी के जागरण के अभ्यास के लिए साधक को किसका पालन करना चाहिए, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पथ्य भोजन होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, है ना, ये याद रखना है। कुंडलीं चालित्वा तु भ्रष्ट्रां कुर्यात् विशेषता एवं अभ्यसतो नित्यं यमिनो यमभिकुतः। करें कि जो कुंडलिनी को चलाएगा, ठीक है, जो कुंडलिनी को चालन करके, कुंडलिनी का चालन करके तू भ्रष्ट, जो सही चीज आ गया, भ्रष्टिका का अभ्यास करना है, पहले भी हमने देखा इसको सेम कि भ्रष्टिका का विशेष पूर्वक अभ्यास करना है, इसको भी मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं। कुंडलिनी के चालन के बाद भ्रष्टिका का विशेष रूप से अभ्यास करना है, और इसके अभ्यास नित्य यमनो यम होता, इसके अभ्यास से यमराज का भी भय कैसा ही, मतलब मृत्यु को भी जीत लेता है, वही बातें हैं। वही बातें घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से यहाँ पे कहा गया है, ये ध्यान में रखना है कि द्वासप्तति सहस्राणाम नाटीनाम मल शोधने कुत प्रक्षाल
ना उपाया कुंडले अभ्यास। देखो इसमें कह रहा है कि कुंडलिनी के चालन के अभ्यास जो बहुत इसमें इससे भी नारियों का दोष जो है समाप्त होगा, ठीक है, कि जो भी 72,000 नारियों के मन शोधन इससे होता है ना, नारी शोधन, तो ये लाभ हो गया। याद रखना कि कुंडली ये शक्ति कारण के अभ्यास से भी नारियों के मन का शोधन होता है, 72,000 नारियों के शोधन होता है, ठीक है। और कह रहा है और किसी अन्य शोधन का प्रचालन का, ठीक है, किसी अन्य प्रचालन का उपाय का, मतलब किसी अन्य का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, कुंडली अभ्यास दृश्यते, ठीक है। इसके जब अभ्यास कर लोगे शक्ति चालन का, कुंडलिनी को जगाने का, सर और तो उपाय है सर, क्या ये कह रहे कि और दूसरा शोधन का उपाय नहीं है, लेकिन वो पहले कहा था ना, दासप्तति सहस्राणाम नाड़ी नाम मलो शोधनम, उस सिद्धासन का लाभ में कहा था। अच्छा सिद्धा, हाँ सिद्धासन में क्या था ये? ये सर यही कहा था बहत्तर कि 72,000 नारियों का मौन शोधन करता, फिर यहाँ कह हजार दिए कि और कुछ उपाय नहीं है, वो पहले एक उपाय कहा था। कुंडलिनी चालन के अभ्यास के बिना 72,000 नारियों के मल शोधन के लिए दूसरा शोधन का उपाय कहाँ। अब देखो इसमें भी तो हम सिद्धासन ही तो लगाते हैं, शक्ति चालन में ही तो अभ्यास, और वहां पे भी यही चीजें आई थी, यहाँ पे भी देखो जी सर बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे एक जो दूसरे का पूरक है ये। चीजें देखो थोड़े से तो रहते ही हैं, अब कहीं कहीं इस थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिए। इसमें भी हम सिद्धासन लगाते ही हैं, है ना, वज्रासन नहीं तो अभ्यास करते हैं इसका, वहां पे भी ये चीजें थी, यहाँ पे भी है कि किसी अन्य का फिर वो करने का नहीं रह जाता है, यहाँ पे भी वही चीज आ रहा है, ठीक है अशरफ। ठीक है ये क्लियर सर है, इसका ये मीन्स ध्यान, ये भी हो सकता है ना कि हाँ बताइए। सर कि हम जब ये कर रहे हैं ना शक्ति चालन, तो फिर हमें उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो सब कुछ हो जा रहा है ना। देखो बट ये हम मार्ग तो बैठेंगे है, तो सब वही सेतु है, पे धासन में ही सिद्धासन ना। में ही तो बैठेंगे यस सर, हाँ जी हाँ यहाँ, जी वही तो। ठीक है, तो वही चीजें हैं, वही बातें हैं, बस गोल गोल घुमाया जा रहा है हमें, ठीक है। यम तू मध्यमा नाड़ी दृढ़ा अभ्यासेन योगी नाम आसन प्राण संयमा मुद्राभि सरला भरे। देखो यम तू मध्यमा, मध्यमा किसको हम कहते हैं, पर्यायवाची सुषुम्ना को, तो योगियों का यह सुषुम्ना नाड़ी है, मतलब मध्यमा जो है सुषुम्ना नाड़ी है, वो दृढ़ अभ्यास से न योगी नाम, दृढ़ अभ्यास से, ठीक है, आसन प्राणायाम मुद्राओं के अभ्यास से क्या होता है, सरल भवे, उसको सरल बनाता है, ठीक है, किसके अभ्यास, आसन प्राणायाम मुद्राओं के अभ्यास के द्वारा, ये जो दृढ़ पूर्वक अभ्यास के द्वारा कुंडलिनी को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए ये हेल्प कर रहा है, ये जो आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, मुद्राओं कर रहे हैं, इट इज अ हेल्पिंग हैंड एक्चुअली, कुंडलिनी को जगाने के लिए ये क्या है, एक टूल्स है, ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना में सर, प्रवाहित करने के लिए, कुंडलिनी को जगाने के लिए आसन प्राणायाम होता है, क्या है, ये सरल बनाता है, ठीक है, ये चीज सर आसन में सिद्धासन हो जाएगा, और है। प्राणायाम में भस्त्रिका, और मुद्रा में यही शक्ति चालनी। कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं है, सिर्फ नॉर्मल आसन की बात है, आसन प्राणायाम और मुद्रा के लिए है,
आपका कहना सही हो सकता है ना? अब देखो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं कि अभ्यासे तू विनि प्राणामुग्नो धृत्वा समाधिना रुद्राणि वा परा मुद्रा भद्राम सिद्धि प्रच्छति। अब देखो यहाँ पे रुद्राणि किसके लिए है? शांभवी। अभ्यास में जो साधक सजग है, मन को कंट्रोल किया, मन को एकाग्र करके समाधि में लगा लिया है, ऐसे साधक शांभवी मुद्रा। यहाँ पे ना जो परम मुद्राएं बताई गई रुद्राणी, यहाँ पे रुद्राणी किसके लिए आया है? शांभवी के लिए आया है। ठीक है, याद रखना शांभवी मुद्रा या अन्य कल्याणकारक मुद्राओं में सिद्धि प्राप्त करता है। यहाँ स्पष्ट कहा है रुद्राणी मुद्रा शांभवी मुद्रा का पर्यायवाची है, ये याद रखना। कई बार देखो अगर एग्जामिनर के ऊपर है, अगर पूछ दिया तो याद रखना, स्टार मार्क करके लिख लीजिए वैसे तो, है ना, रुद्राणी किसको कहा है? शांभवी को कहा है। राजयोगम विना, हाँ ये याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। राजयोगम विना पृथ्वी, राजयोगम विना निशा, राजयोगम बिना मुद्रा विचित्रापि न शोभते। कि जैसे देखो जैसे राजा के बिना पृथ्वी, चंद्रमा के बिना रात्रि, राजचिन्ह के बिना मुद्रा, है ना, वैसे ही समाधि के बिना आसन, समाधि के बिना कुंभक तथा समाधि के बिना शांभवी, वज्रोली आदि मुद्रा पृथ्वी प्रकार के रहने पर भी निरर्थक है। वैसे कुछ खास है नहीं ये, तो स्किप भी कर सकते हो। मारुतस्य विधि, मारुतस्य विधिम सर्व मनोयुक्तम समभ्यसेत इत्र इत्रत्र न कर्तव्या मनोवृत्ति मन मर्णिसा। कह रहा है कि प्राण वायु से संबंधित संपूर्ण, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसमें अब ज्यादा कुछ है नहीं मुझे लग रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट हिंदी से पढ़ाते रहा हूं। प्राण संबंधित संपूर्ण विधि का अभ्यास एकाग्रचित होकर, एकाग्रचित से ही करना चाहिए। इसके अभ्यास से योगाभ्यासी को चित्त वृत्ति इधर उधर नहीं जानी चाहिए। ये कुछ है नहीं, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। इति मुद्रा दर्शक प्रोक्ता आदिनाथेन संपूर्ण एक तासु यमिनाम महासिद्धि। ये जो 10 मुद्राएं कही गई हैं, ठीक है, ये जो 10 मुद्राएं कही गई हैं किसके द्वारा? आदिनाथ के द्वारा, आदिनाथ शंभु के द्वारा, शिव के द्वारा जो कही गई हैं, एक 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 उनमें प्रत्येक मतलब एक एक मुद्राएं जो है साधकों को सिद्धि देने वाला है। प्रत्येक मुद्राएं साधकों को सिद्धि देने वाला है। उपदेशम ही मुद्रा नाम यो दत्ते संप्रदायिकम एव श्री गुरु स्वामी सच्चिदा ईश्वर सी। जो इसको भी आप छोड़ सकते हो, है ना, जो परम परंपरा प्राप्त ऐसे उपदेश प्रदान करते हैं वही श्री गुरु स्वामी एवं साक्षात्कार ईश्वर है। तस्य वाक्य परो भूत्वा मुद्राभ्यास, एक बार ना देखो, हाँ ये ध्यान में रखना, ये इंपोर्टेंट है। तस्य वाक्य पर उत्वा मुद्रा अभ्यास समाहिता अनामी आदि गुणवसला होते कालोच। याद रखना कि इसके अभ्यास से, मुद्राओं के अभ्यास से, सिर्फ शक्ति चालनी की बात नहीं है यहाँ पे, कह रहा है कि मुद्राओं के अभ्यास से अनिमा आदि ये जो गुण है, अष्ट ऐश्वर्य जो गुण है उनको प्राप्त होता है, है ना, और ये कालवचनम काल को भी जीत लेता है। ठीक है, अनिमा आदि से प्राप्त होता है और काल को, मृत्यु को भी जीत लेता है, छला जा सकता है। यही था, ये बस लास्ट वाला श्लोक याद रखना, अनिमा आदि सिद्धि। ठीक है, और इसमें अब कुछ खास है नहीं, हमारा हो गया है तृतीय उपदेश समाप्त। इसमें किसी को कुछ पूछना है? सर लास्ट वाला फिर से बता दीजिए। इसके मुद्राओं के सिद्धि से, ठीक है, अष्ट सिद्धि जो अनिमा जो है, अनिमा लघिमा गरिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम्य इसित्व और वस्तित्व, ये जो अष्ट सिद्धि है ना,
ठीक है, उस वो प्राप्त होता है, ये याद रखना बस। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? सर एक बार उड़ियान बंद बता दीजिए। उड़ियान बंद क्या होता है सर? वो उदेरे पश्चिम पेट को पीछे की तरफ ले जाना, वो वाली चीज बता दो। वो नहीं समझ में आया था? नहीं सर, मैंने लाइव क्लास नहीं ली, आज मैंने रिकॉर्डेड देखा था, मेरे को समझ नहीं आया। दो तीन दिन नहीं समझ में आया, चलो मैं बता देता हूँ उड़ियान बंद। और किसी का कोई प्रश्न है? देखो उसमें क्या उड़ियान बंद में कि भाई नाभि को पीछे की तरफ पश्चिम की तरफ तानना है, ठीक है, और फिर ऊपर की तरफ जो प्राणवायु है ऊपर की तरफ उठाना है उड़ियान बंद। और 6 मास में ये मृत्यु को जीत लेता है, तो नाभि को ऊपर उठाना है, नीचे वाले भाग को भी पीछे की तरफ खींचकर, मतलब पेट में पीछे की तरफ पीठ से सटाना है। क्या इसमें समझ नहीं आया आपको? कौन सा श्लोक नहीं समझ में आया? इससे भी क्या होता है, वृद्ध भी तरुणायते जवान हो जाता है। उड़ियान बंद तो आसान था, क्या इसमें नहीं समझ? और ये क्या होता है, मृत्यु मातंग केसरी बताया गया है कि मृत्यु रूपी हाथी के लिए क्या है, सिंह के समान है। सर एक महाखग भी था ना, महाखग। हाँ महाखग भी आया है। महाखग क्या है? महापक्षी, उसको महा मतलब प्राण से समझते हैं। हाँ जी, ठीक है, महाखग भी आया है उसके लिए, तो प्राण रूपी महापक्षी निरंतर जो है सुषुम्ना में उड़ान भरते रहता है ना। यही सब था इसमें, और कुछ तो था नहीं। ठीक है सोनी दयाल जी, अभी आप लोगों का लेक्चर नहीं है क्या? यस सर है ना। ठीक है फिर तो प्रश्न पूछूं कल। हाँ आप लोगों में से जितने जो लोग भी मुझे क्वेश्चन भेजा था द्वितीय उपदेश का, एक बार फिर से मुझे वो भेज दीजिएगा, जिसने भी भेजा है, या फिर हाई कर दीजिएगा। तो एक्चुअली वो मिस बता ही नहीं चल रहा है कि किसने भेजा क्या भेजा, तो ताकि मैं क्वेश्चन बना के कल आप लोग का टेस्ट ले लूं। रेडी तैयार हो ना आप लोग 10 मिनट? यस सर कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। द्वितीय उपदेश का द्वितीय और तृतीय दोनों नहीं, तृतीय नहीं, द्वितीय का ही लूंगा है ना कुछ क्वेश्चंस। सर गूगल फॉर्म में क्या? फर्स्ट का हुआ है ना अभी, तो सेकंड का नहीं हुआ है ना गूगल फॉर्म में? सर फर्स्ट का ही हुआ सर, परसों लीजिए ना फिर संडे को। हाँ यस सर ले लीजिए, सैटरडे को लीजिए ना सर, सैटरडे कल फ्राइडे। अच्छा ओके 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 गॉट इट, सैटरडे को ही होगा, सैटरडे को। ओके ठीक है, तो आप लोगों को रिवीजन करनी है क्या थर्ड उपदेश का? यस सर कल रिवीजन करा देता हूँ थर्ड का, परसों टेस्ट हो जाएगा, फिर मंडे से हम चौथे उपदेश पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कल जो है थर्ड उपदेश रिवीजन, टाइम लगेगा तो आप लोग थोड़ा टाइम पे आ जाइएगा, 8 बजे मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, फिर सैटरडे को टेस्ट हो जाएगा, अगर टॉपिक कुछ छूट जाता है तो फिर हम विल कवर इन सैटरडे, लेकिन कोशिश करेंगे कल हो जाएगा। सैटरडे को टेस्ट, फिर मंडे से नहीं उपदेश। ठीक है, आपका भी लेक्चर है तो मैं आप लोगों को जल्दी छोड़ देता हूँ। ठीक है।